नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि केसीसी बनवाने के बाद अगर आप अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं करते हैं यानी पैसे नहीं निकालते हैं तब आपको ब्याज देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं करते हैं उस दशा में बैंक आपसे कौन कौन से चार्जेस वसूल करता है, उनका अमाउंट क्या होता है, दोस्तों इन दोनों विषयों पर मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि दोस्तों गणेश चतुर्थी को ही मेरा भी जन्म हुआ था, तो दोस्तों आज मेरा भी जन्मदिन है इसलिए आप सभी लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केसीसी खाते में लगने वाले चार्जेस की, कि एक वर्ष में आप लोगों को अपने केसीसी खाते में कुल कितने चार्जेस देने होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करें या फिर ना विड्रॉल करें, कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को प्रतिवर्ष देने होते हैं। आप पैसे केसीसी से विड्रॉल किए होंगे तब भी आपको वो चार्जेस देने होंगे, आपने अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं किए होंगे तब भी आपको चार्जेस देने होंगे। दोस्तों, उन चार्जेस में जो पहला चार्ज होता है वो होता है इंस्पेक्शन चार्ज। दोस्तों, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई कोई बैंक साल में दो बार आपके खाते में इंस्पेक्शन चार्ज लगाता है, वहीं कोई कोई बैंक साल में सिर्फ एक बार ही आपके खाते में इंस्पेक्शन चार्ज लगाता है। दोस्तों, जो बैंक आपके खाते में दो बार इंस्पेक्शन चार्ज लगाते हैं वो खरीफ का अलग लगाते हैं और रबी सीजन का अलग लगाते हैं, वहीं कोई कोई बैंक सिर्फ एक ही बार आपके खाते में इंस्पेक्शन चार्ज लगाता है। दोस्तों, इस चार्ज के अमाउंट की बात करें कि इसमें आपको प्रतिवर्ष कितना अमाउंट देना होता है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कोई बैंक आप लोगों से इंस्पेक्शन चार्ज के रूप में 1000 रुपए लेता है, वहीं कोई कोई बैंक आप लोगों से 1000 से लेकर के 1500-2000 तक का भी इंस्पेक्शन चार्ज ले लेते हैं पूरे साल का। तो दोस्तों, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन ये मिनिमम 1000 हो सकता है और मैक्सिमम 2000 रुपए हो सकता है आपके केसीसी खाते में। ये आपकी लिमिट पर भी निर्भर करता है कि आपकी केसीसी की लिमिट कितनी है, उसी अमाउंट के हिसाब से आप लोगों का जो इंस्पेक्शन चार्ज होता है वो आपके खाते से डेबिट किया जाता है। दोस्तों, दूसरे चार्जेस की बात करें तो दोस्तों जो दूसरा चार्ज होता है वो होता है एनुअल चार्ज। दोस्तों, ये सभी बैंकों में साल में सिर्फ एक बार ही आपके केसीसी खाते से डेबिट किया जाता है और दोस्तों इसके अमाउंट की बात करें तो दोस्तों ये 400 रुपए से लेकर के 800 रुपए तक होता है। ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई बैंक आपसे 400 रुपए ले सकता है एनुअल चार्ज, वहीं कोई कोई बैंक आप लोगों से 500 ले सकता है, 600 ले सकता है, 700 ले सकता है, 800 तक मैंने देखा है। ये 800 रुपए तक का आप लोगों से एनुअल चार्ज कोई कोई बैंक केसीसी खाते में आप लोगों से ले लेता है और दोस्तों ये भी साल में एक बार ही आपके केसीसी खाते से डेबिट किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आपने अपने केसीसी खाते में चेकबुक और एटीएम ले रखा है तब दोस्तों आप लोगों को चेकबुक और एटीएम के चार्जेस भी वार्षिक देने होते हैं। तो दोस्तों, ये भी 200 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक हो सकते हैं, ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं। कोई कोई बैंक आपसे चेकबुक और एटीएम के 200 रुपए ही एक वर्ष का चार्ज लेते हैं, वहीं कोई कोई बैंक आपसे 200 रुपए चेकबुक के व 200 रुपए एटीएम के एक वर्ष का चार्ज ले लेते हैं और दोस्तों ये भी साल में एक बार ही आपके केसीसी खाते से डेबिट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करें या फिर ना विड्रॉल करें, ये जो चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए ये आप लोगों को देने ही होंगे और ये प्रतिवर्ष आपके केसीसी खाते से डेबिट किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केसीसी बनवाने के बाद अगर आपने अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं किए हैं तब आपको ब्याज देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अगर आपने अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं किए हैं तब दोस्तों आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। हाँ, जो चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए वो चार्जेस आप लोगों को प्रतिवर्ष देना होगा। जब भी आप अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करेंगे तभी आप लोगों को ब्याज देना होगा। जब तक आप अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल नहीं करेंगे आप लोगों को उस पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। बस आप लोगों को जो भी एनुअल चार्जेस हैं, जो भी वर्ष में आप लोगों के केसीसी खाते से डेबिट किए जाते हैं, वो सभी चार्ज आप लोगों को पे करने होंगे। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी ब्याज के रूप में पैसा नहीं देना है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।